गाजियाबाद की घंटाघर की रामलीला में हर बार की तरह इस बार भी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला लगाया जा रहा है और विजयदशमी के दिन पुतले को फूंका जाएगा, यानी कि रावण दहन किया जाएगा। लेकिन इस बार राम, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले में पहले के मुकाबले इस बार की कम से कम 20 फीट की हाइट बढ़ा दी गई है। इस बार गाजियाबाद के घंटाघर की रामलीला में रावण 80 फीट, मेघनाथ 70 फीट और कुंभकर्ण 75 फीट का बनाया जा रहा है। और साथ ही प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले में इस तरह के बम लगाए जाएंगे कि प्रदूषण ना हो। इस तरह की रामलीला में यह नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, जो कि घंटाघर रामलीला के लिए पहली बार होगा। और कस्बा फरूखनगर हमारा पास में जिला गाजियाबाद पड़ता है। तो आज जो गाजियाबाद की घंटाघर रामलीला में जो रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण लगाए जा रहे हैं, इनकी क्या विशेषता है इस बार में और कितनी? हाँ जी, पहले से 15-15 फुट हाइट बढ़ती है इसकी। 15-15 फुट पहले 60 फुट का चलता था, 80 फुट का रावण है और 75 फुट का कुंभकर्ण और 70 फुट का मेघनाथ है। और पटाखे भी स्पेशल लगाए जा रहे हैं इसके अंदर, कोल्ड पायर भी ले जा रहे, प्रदूषण कुछ नहीं है इसके अंदर ज़्यादातर। और हमारे जो बाबा थे, पुराने ताल्लुकात हमारे, उन्होंने स्पेशली मुझे बुलाया कि पूरा गाजियाबाद शहर खुश हो रहा है अब की बात रामलीला से भी और रावणों से भी, कि पटाखे बहुत बड़े चल रहे, बगैर प्रदूषण के चल रहे पटाखे से। News को सब्सक्राइब करें और रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। We'll be right back.